दोस्तों मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि महाराज हैं और शनि महाराज को नवग्रहों में न्यायाधिपति की उपाधि प्राप्त होती है। मकर राशि वाले न्यायप्रिय होते हैं, वे हर काम को बड़े विचार करके उपरांत ही करते हैं। उनकी कद काठी सामान्य या दुबली पतली होती है। यदि शनि स्वराशि है तो मकर राशि वालों का रंग काला या सांवला भी हो सकता है। मकर राशि के जातक अपनी बात के पक्के होते हैं, उनकी संकल्प शक्ति बहुत अधिक होती है। मकर राशि के जातक थोड़े जिद्दी एवं कठोर स्वभाव वाले भी होते हैं। और दोस्तों मकर राशि के जातकों के लिए नौकरी अधिक लाभदायक रहती है, वे सरकारी या गैर सरकारी स्थानों में सेवा कर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों साथ में मकर राशि के जातक मेहनती, समर्पित और वफादार भी होते हैं। इनके स्वामी ग्रह शनि महाराज होने की वजह से महान अनुशासित वाले होते हैं। इस राशि के व्यक्ति जिस भी गतिविधि को चुनते हैं उस क्षेत्र में बहुत आगे तक जाते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे मकर राशि के लिए मार्च अप्रैल मई 2023 में कैसा रहेगा उनका राशिफल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिटेशन एंड एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन अप रहता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मार्च माह की। मार्च माह में मंगल ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में होगा, जो कि शत्रु नाश करने वाला होगा। इस समय आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे आप बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे। इस माह चौथे भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। इस माह आप किसी भवन या वाहन की खरीदारी में रुचि दिखा सकते हैं। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। और महीने के मध्य में सूर्य गुरु युति के कारण सरकारी विभाग में काम कर रहे जातकों को अच्छे और शुभ गुण प्राप्त होंगे। यह महा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए सफलता लेकर आने वाला होगा। अप्रैल माह में देव गुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे। गुरु यहां पहले से विराजमान राहु के साथ युति करेंगे, जिससे गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा। माह के मध्य में सूर्य भी राहु के साथ युति करेंगे। यह ग्रहण योग परिवार में विवाद उत्पन्न कर सकता है। इस समय आप अपने पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशान रहने वाले हैं। इस समय जो जातक हृदय से रोग से पीड़ित हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि गुप्त विद्या की ओर आपकी रुचि बढ़ाने वाली होगी। विदेश भवन पर मंगल की दृष्टि से इस माह विदेश जाने वाले को मौका मिल सकता है। दोस्तों मई के महीने में सप्ताह में नीच का मंगल दाम्पत्य जीवन में कठिनाई देने वाला होगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का खास ध्यान रखना होगा। आपने अपने प्रेमी के बीच किसी गलतफहमी को पैदा नहीं होने देना, वरना भविष्य में रिश्ता खत्म हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों महीने के मध्य में अष्टम सूर्य का पंचम में गोचर संतान पक्ष की सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी दे सकता है। हालांकि सरकारी कार्यों से जुड़े जातक इस समय अपने फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस माह जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनका सपना पूर्ण होगा। और दोस्तों इस माह स्त्री जातकों को काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों मार्च के महीने में पारिवारिक जीवन में कुछ खुशियां देखने को मिलेंगी। कुछ घरेलू खर्च होंगे, जो कार्य बहुत लंबे समय से अटके हुए थे वह भी पूरे होंगे। साथ में दोस्तों घर वालों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, माता जी से निकटता बढ़ेगी। यदि पहले से कोई वाहन नहीं खरीदा है तो इस महीने नया वाहन खरीद सकते हैं, अथवा किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल का महीना तनावपूर्ण रहेगा, घर परिवार में स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, घर में क्लेश हो सकता है। माता जी और पिताजी सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यदि आप संयम नहीं बरतेंगे तो आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से पीड़ित हो सकता है और आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं, जैसे हृदय से संबंधित समस्या या पक्षस्थल में संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। दोस्तों इसके अलावा मई के महीने में नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना बनेगी, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, विदेश यात्रा की संभावना बन सकती है, पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना भी सच होगा। दोस्तों अब बात करेंगे मार्च अप्रैल मई 2023 में मकर राशि वालों को करने योग्य कुछ चमत्कारी उपायों की। प्रत्येक शनिवार को श्री शनि चालीसा का पाठ करें। महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन व्रत भी रख सकते हैं। अपनी राशि के स्वामी श्री शनिदेव जी को किसी भी मंत्र से निरंतर जाप करें। गौ माता को हरा चारा और थोड़ा सा गुड़ खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा।
साथ में दोस्तों चींटियों को भी आटा डाल सकते हैं। आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो मंदिर की सीढ़ियों पर सुबह सुबह साफ सफाई का काम करें। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का नीलम रतन धारण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। किसी ज्योतिष की सलाह जरूर ले लें। स्वास्थ्य उत्तम ना हो तो शनिवार के दिन उड़द की दाल के पकौड़े सरसों के तेल में तलकर गरीबों को खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, यही हम कामना करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आपका समय शुभ रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन अप रहता है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय माता रानी की, जय महादेव।